अक्टूबर में धड़ाधड़ एक से बढ़कर एक फोन लॉन्च होते जा रहे हैं। पहले गूगल पिक्सल 4a आया, फिर आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हुई, 14 अक्टूबर को OnePlus 8T आया और फिर 15 अक्टूबर को Xiaomi Mi 10 सीरीज इंडिया आई। Mi 10 लाइनअप में दो फोन हैं, Mi 10T और Mi 10T Pro। दोनों में फर्क बस इतना है कि स्टैंडर्ड मॉडल में प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और प्रो मॉडल में 108 मेगापिक्सल का। Mi 10T सीधा सीधा OnePlus 8T स्मार्टफोन से कम्पीट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन तो बनता ही है और संता भी। मेरा नाम है फैसल और इस अव्वल दर्जे के खराब जोक के साथ हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो कौन महंगा और कौन सस्ता? इस बात की पूरी उम्मीद थी कि Xiaomi का Mi 10T OnePlus 8T से सस्ता ही होगा, ठीक वही हुआ। Mi 10T का बेस मॉडल 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 35,999 रुपये है। 8GB प्लस 128GB वाला मॉडल 37,999 रुपये का है। OnePlus 8T का स्टार्टिंग प्राइस 42,999 रुपये का है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा OnePlus 8T का 12 प्लस 256GB वाला मॉडल 45,999 रुपये का है। अगर दोनों फ़ोन के 8GB रैम वाले मॉडल कंपेयर करें तो 5,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। ऊपर से Mi 10T का 6GB रैम मॉडल जेब पर थोड़ा हल्का भी पड़ रहा है। डिस्प्ले किसकी बेहतर है? दोनों ही फ़ोन की स्क्रीन अलग अलग डिपार्टमेंट में एक दूसरे से आगे हैं। Mi 10T में IPS LCD स्क्रीन है और OnePlus 8T में फ्लूड AMOLED पैनल। LCD स्क्रीन के मुकाबले OLED पैनल अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें LCD की तरह बैकलाइट नहीं होती। हर एक पिक्सल बंद हो सकता है, जिसकी वजह से स्क्रीन में डीप ब्लैक मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़िया आता है, कलर उभर कर निकलते हैं। इसके साथ ही OnePlus 8T की स्क्रीन Mi 10T से लगभग दुगनी ब्राइट है। जहां OnePlus के फ़ोन में 1100 निट्स ब्राइटनेस है, तो वहीं Xiaomi के फ़ोन में 650 निट्स। मगर जहां OnePlus 8T में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, Mi 10T की स्क्रीन में 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। Xiaomi का स्क्रीन रिफ्रेश रेट तो ज़्यादा है ही, इसके साथ ही इस डिवाइस में अडेप्टिव सिंक सिस्टम है, जो कॉन्टेंट के फ्रेम रेट के हिसाब से स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करता है और बैटरी भी बचाता है। ये 30, 48, 50, 60, 90, 120 और 144 हर्ट्ज़ पर एडजस्ट हो सकता है। OnePlus 8T में 60, 90 और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं। प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों ही फ़ोन में Qualcomm का फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर पड़ा है, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में OnePlus आगे है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 मिलता है, जिसके ऊपर OnePlus की फेमस ऑक्सीजन OS स्किन है। Mi 10T Android 10 OS पर बेस्ड Xiaomi की Mi UI 12 स्किन पर काम करता है। इस फोन में भी Android 11 देर सवेर मिल ही जाएगा, मगर Mi UI के ऊपर Oxygen OS ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं कैमरा की। Mi 10T के बैक पर तीन कैमरा सेंसर हैं, जिनमें से प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है, एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। ये कैमरा सेटअप 4K फुटेज के साथ साथ 30 FPS पर 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। OnePlus 8T की बैक पर चार कैमरा हैं, जिनमें से प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, एक 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर है। ये कैमरा सेटअप 8K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। Mi 10T में फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है और OnePlus 8T में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। पिक्सल काउंट में तो Xiaomi आगे है, मगर सिर्फ कैमरा के मेगापिक्सल से ही फोटो क्वालिटी डिसाइड नहीं होती। कौन सा कैमरा बेहतर है यह स्पेक्स के बेस पर नहीं बताया जा सकता, इसके लिए दोनों फ़ोन का आपके पास होना ज़रूरी है। बहरहाल दोनों ही फ़ोन के मेन लेंस सोनी ने बनाए हैं, इसलिए दोनों में ही अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। बस सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के चलते दोनों फ़ोन एक दूसरे से ऊपर निकल सकते हैं। बैटरी और चार्जिंग स्पीड का क्या हाल है? बैटरी कैपेसिटी Mi 10T की थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर चार्जिंग स्पीड OnePlus 8T की इतनी तेज़ है कि इतना सा फर्क मायने नहीं रखेगा। Mi 10T में 5000mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, वहीं OnePlus 8T में 4500mAh की बैटरी और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। तो कौन सा फ़ोन किसके लिए है? दोनों फ़ोन के स्पेक्स प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही हैं, दोनों में से कोई सा भी फ़ोन लेना घाटे का सौदा नहीं कहलाएगा। मगर चूंकि Xiaomi Mi 10T की प्राइस कम है, इसलिए इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में Xiaomi को इसका फ़ायदा मिलेगा। बाकी दोनों फ़ोन में सेम प्रोसेसर है, डिस्प्ले के मामले में भी मामला टाई लग रहा है और कैमरा डिपार्टमेंट में शायद इनमें काफ़ी तगड़ी टक्कर हो। Mi 10T में बैटरी ज़्यादा है, मगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और चार्जिंग स्पीड में OnePlus 8T आगे निकल जाता है। तो आखिर में बात ब्रांड नेम पर आकर रुक जाती है। अगर आपको OnePlus पर ज़्यादा भरोसा है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर Xiaomi पसंद है तो Mi 10T लेकर कुछ पैसे बचा सकते हैं।
मेरा नाम है फैसल, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।